देखे भाइयों, ट्रंच विधि के गन्ने में इनकी छोल भी चल रही है। ये वीडियो लेट इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इन्होंने एवरेज भी देख लिया इसमें, एवरेज भैया ने बताया, और बहुत अच्छा गन्ना इसमें निकल रहा है ठोस। ये देखो, मैं पूड़ी दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख लो कितनी छोटी पूड़ी बांध रखी, लेकिन इसमें जो है ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल 45-50 किलो की ठोस है जी गन्ना एकदम। हाँ, दो किलो 2.5 किलो गन्ने का एवरेज है। बिल्कुल बिल्कुल, मोड़ा नहीं है कभी, मोड़ा एक भी नहीं, सारे बराबर। हाँ जी, हाँ जी। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों, मैं अजहत्ता गांव में आया हूँ। हमारे भैया जी है, युवा किसान है, जिन्होंने पहली बार ट्रंच विधि से गन्ना लगाया है। पहले तो मैं आपको गन्ना दिखा दूँ इनका, ये देखो काफ़ी अच्छा इनका गन्ना खड़ा है। तो आज इस गन्ने के बारे में पूरी जानकारी भैया जी से हम लेंगे। क्या हाल है भैया? हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया। थोड़ा सा तो एक बार बताओ जी, इसमें अपना परिचय दो जी आप। मेरा नाम गोलू, गांव अजहत्ता। अच्छा जी, तो भैया कब की बुआई है आपकी इसी गन्ने की? यो भैया 1 मार्च की। 1 मार्च की जी। अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने इसकी खूड़ से खूड़ की दूरी कितनी लीजिए? इसकी 56 इंच। 56 इंच जी। तो गहराई कतेक बोई थी? गहराई तो हमने 7 दिले जर्सी बो दी भैया। 7 दिले जर्सी, वही वाह। 7 दिले जर्सी पूरा हाइड्रोलिक तार का उससे बो दिया। जी जी। तो कितनी मट्टी आ जाए 7 दिले जर्सी, जैसे बीच का खुरपा काट दिया होगा आपने? बीच का खुरपा काट दिया, लगा लो 6-7 इंच गहरा बो गया होगा। अच्छा अच्छा, तो बुआई का तरीका कौन सा था, मतलब सिंगल बर्ड से या ऐसी जैसा शादी बुआई कर? वो इतने बड़ी दो आंख वाला अपना दंत से काट। जी जी, तो मतलब ऊपर ऊपर का फुंगड़ का बोया सारा ही? एकदम से ऊपर का 70%। अच्छा अच्छा, 70% होगा। 30%। तो 1 मार्च की आपकी गन्ने की बुआई है जी। तो थोड़ी सी अपनी लागत और बताओ, जैसे आपने बुआई पे क्या डाला इसमें? बुआई पे भैया रामबाण गिरा था जी, उसका फिर 1-1.5 महीने बाद अपना कोरोजन कर दी थी। अच्छा, कोरोजन कर दी थी। फिर इसमें कीड़े वाली स्प्रे वो कर दी थी। अच्छा अच्छा, वो कौन सी करी थी? फंगस वाली जो आवे। अच्छा, फंगस की वैसी वो वाली। जी जी, वो कर दी थी। अच्छा अच्छा, और जब मट्टी चढ़ाई थी जब भैया इसमें गेर दिया था, दोबारा रामबाण यूरिया मिला के। अच्छा अच्छा, और लागत खास तो लगाई। तो एक चीज और बताओ, जैसे इसमें बीच का काम जो करना पड़ा आपने, बुआई कर दी जैसा पानी दे दिया उसके बाद में, तो उसके बाद में फिर लड़ाई करवाई जी इसकी? हाँ, पहले तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने। जी जी, और इस पर हल्की मट्टी करी थी जी, फिर उसके बाद इसमें जब घास सा हो गया हल्का हल्का, खुरपे से नुड़वा दिया जी। लगभग 1.5 महीने तक हमने इसकी जुताई नहीं करी। अच्छा अच्छा, 1.5 महीने तक ऐसे छोड़ा, फिर इसकी अपना कल्टीवेटर निकाल दिया इसमें बीच में जी, तो धीरे धीरे मट्टी आनी शुरू हो गई जी। जी, काफी बड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बस हमने तो जो जुताई करी कल्टीवेटर से, झुकते से भाई ट्रैक्टर वैक्टर तो। अच्छा अच्छा, फिर मिट्टी कैसे चढ़ाई जी? मिट्टी फावड़े से चढ़वा दी थी। अच्छा, फावड़े से मिट्टी। तो कितने बीघे लगाया आपने ट्रंच का? 20 बीघे है भैया। अच्छा, 20 बीघे लगाया। तो जैसे आपने पहली बार ही लगाया ना, पहले शादी बुआई 28 इंच पे, तो मतलब कितना घेर लिया आपने मील में? मील में घेर लिया हमने 300 कुंटल। 300 कुंटल, तो मतलब अब तो पता तो चल गया होगा क्या चल गया, जो वहाँ वाला खेत था वो तो भैया 70 का लिकड़ा। जी जी, और इसकी उम्मीद है 85 के आसपास लिकड़। 85 के, मतलब कुल मिलाकर 15 के बिना मानो 10 कुंटल का तो फर्क पड़ा। हाँ जी, जो सबसे सीनियर खेत है। तो लागत में भी मतलब जैसा किसान बता रहे हैं, जो 28 इंच वाली लागत है वही लागत लगाई हमने, कोई स्पेशल लागत इसमें लगा नहीं। जैसा एक चीज बता रहे किसान जो ट्रंच का लगा रहे कि मैनुअल जो है आदमी का काम इसमें घट जा, तो उसके बारे में क्या अनुभव करा? घट जा क्या, काम तो सेम सही है, देखो बिना करो तो होने का नहीं कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, 28 में भी नहीं करोगे वो भी नहीं होने का। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो है थोड़ी सी मट्टी वट्टी की वो गौर से रखनी पड़े नुलाई उलाई की। हाँ जी, आदमी फिर अगर सोचना हो तो बीच की जुताई कैसे करे उसमें थोड़ा सा वो है। हाँ, उससे दिक्कत है। किसी को ज्यादा बोना तो भैया ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काम है तो झोटे से भी मेरे हिसाब से तो 20-25 भी कवर हो सके। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि फावड़े से मट्टी बढ़िया चढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं, फिर हमने तो भैया सिंगल बंधाई करवा दी थी पहले। जी जी, और फिर मिलवा दिए। अच्छा, फिर इसमें मिलवा दिए दो बंधाई में, देखो कैसा ही ठाड़ा गन्ना हो, रुक जा। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, देखिए भाइयों मैं आपको गन्ना दिखा दूँ, बहुत ही जबरदस्त हमारे भैया जी का गन्ना खड़ा है, पहली बार ट्रेंच से लगाया है। तो इन्होंने देख लो, कोई ज़्यादा मेहनत या वो लागत नहीं लगाई इसमें, और भैया जी ने सारा एवरेज भी बता दिया, 10 कुंटल का इनका ट्रेंच से फ़र्क पड़ गया। मैं पहले भी वीडियो बनाना ही सोचा था, लेकिन इनका इसमें छोल नहीं लगी थी, तो थोड़ा सा किसानों के लिए अधूरी बात रह जाती। अब इन्होंने जो है इसका एवरेज भी देख लिया, तो 10 कुंटल का इन्हें इसमें लाभ चमका, और अब की बार हमारे भैया जी जो है सारा ट्रंच से गन्ना लगाएंगे, मतलब फागण का। गेहूँ का तो ये नहीं रखा। हाँ, गेहूँ में दिक्कत आ गई, गेहूँ में थोड़ा लगा के देख लियो अब की बार में। गेहूँ का तो हम बोना ही बोवे ही नहीं नेड़ा भी। हाँ बिल्कुल, में तो कोई लाभ ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गेहूँ में कोई फायदा नहीं। अड़ो 20 मार्च से पहले पहले जो बोएगा वो सारा ट्रंच। हाँ बिल्कुल, उसके बाद जो है वो 30 इंच। जी जी, तो देखिए भाइयों मैं दूरी भी कम आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ जी। अच्छा अच्छा, तो भैया घास वास का स्प्रे भी मारा क्या इसमें? अब नहीं मारा। अच्छा, मैं नहीं मारा इसमें तो, पहले ही
पहले कर देता जमाई नहीं इसमें जब से। हाँ जी हाँ जी, बारिश बारिश इतनी हुई, घास हुई नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, गन्ना तो बहुत अच्छा खड़ा है जी आपका। ठीक है भैया, जैसा भी है काम। बिल्कुल बिल्कुल, 56 इंची पर तो बहुत अच्छा खड़ा, बाकी 48 पे बोले जब भी दिक्कत नहीं। 48 पे ही बोवेंगे। हाँ जी 48 पे कर लेंगे। 4 फुट पर करेंगे। अच्छा एक चीज और पूछनी भैया, चलने में भी ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 48 इंची या 42 इंच सबसे बेस्ट है, ट्रॉली के पहिया आ जाता दोनों। हाँ जी एक चीज और पूछनी थी भैया, जैसे आपने 7 लेजर आपका हंस का आपके पास में, हंस का तो उसमें वेट रखा था ऐसे ही निकाल देती को? ऐसी काट देती। अगर वजन रखा तो कुछ और गहरा कर सका? एक तो 7 लेजर है हंस का, एक वो है जिसमें डाई भी साथ चले। अच्छा अच्छा, 2 लेजर जी जी, तो उसका ये अपना बीच वाला खुरपा खोल के। तो ये सामने वाला कब की बोई है इसमें? हो रहा भैया 5 अप्रैल। अच्छा ये 5 अप्रैल की। हाँ। भाइयों इनका भैया जी का, हाँ दूसरा खेत है, 12 चौक 48 फुट पे, 48 इंची पे। देखिए भाइयों दूसरा खेत जो है इनका 48 इंची पे है, इसमें मिलने में मैडे में दिक्कत नहीं आई होगी ना? ना कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो इसमें भी कार्रवाई सेम ही होगी? कार्रवाई सेम। हाँ तो यो अपने 7 लेजर थी आपने सेट कर लिया। अच्छा लेजर में जो है इसमें नाली बनती होगी नीचे? हाँ। जब बुआई के समय हाँ, दिक्कत हाँ, आ रही थी कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस जब पेंडे धर के पैर रख देते वो और गहरा सा हो जाता। अच्छा और गहरा हो जाता जी जी जी, थोड़ी थोड़ी हाथ मट्टी करते चले गए रामबाण और वो साथ ही गिर देता उसके। अच्छा अच्छा, तो बीच में अपना एक आध बार यूरिया डाला होगा? नहीं हाँ यूरिया गिरा एक बार। हाँ एक बार ही गिरा, क्योंकि यूरिया से बढ़ ही तो और तो कोई यूरिया का ज्यादा रोल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज्यादा लंबा होगा तो नहीं गिरेगा। तो कुल मिलाकर आपने यो 48 पर फाइनल करा आपका फाइनल? बोवेंगे अब क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 48 पर सारा बोवेंगे जी जी जी, और ऐसे ही करेंगे बड़े ट्रैक्टर से। देखिए भाइयों अप्रैल की बुआई है भैया जी की, और ट्रेंच विधि की पूरी जानकारी दे दी, अगर इसमें कुछ जानकारी बच गई हो तो मैं भैया जी से फोन पर ले लूँगा, आप कमेंट करके पूछ लेना। तो भाइयों अगर जानकारी आपको पसंद आए तो जरूर बताना। भैया जी ने 56 इंची पे भी लगा रखा गन्ना और 48 पे भी, 48 इनके हिसाब से बेस्ट है। और जो किसान कम है गन्ना डर रहे हो तो 42 पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी अपना झोटे से कर लो, अपने झोटे से कर लो, सादा अपना जो लेजर है ना वो बदलने की जरूरत है। हमारे तो 60 बीघे बोर्ड थी, 20 बीघे ट्रेन, 40 बीघे वैसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी हमने झोटे से कवर कर। हाँ लेकिन ये भ्रम फैला रखा लोगों ने कि पहले सोच लाओ सब कुछ, 10 लाख रुपए पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को सूट ना वो बिकने के बिना, वही बिकने के बिना, बिल्कुल सही कह रहे जी। हाँ जी हाँ जी, तो देख लो भाइयों बहुत ही अच्छा इनका खेत खड़ा है दोनों आमने सामने, एक मार्च का भी है और ये अप्रैल का भी है, 48 इंची एक 56 इंची। तो दोनों मैंने आपको खेत दिखा दिए और बहुत अच्छा इन्होंने बिल्कुल सटीक जानकारी दी है कि 10 क्विंटल का एवरेज आपका बिल्कुल इसमें फालतू आएगा, और इसमें आपका काम करने मतलब मैन पावर भी आसान है बहुत। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ना कुछ। हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लो भैया जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना है जी। पानी बहुत जल्दी भराई, हाँ भराई भी बहुत जल्दी हो, सिंचाई भी जल्दी हो जा बहुत जल्दी। हाँ जी हाँ जी, तो भाइयों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार।